जी आई टी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि इसमें आज की क्लास में जो जानना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, ये तीन ऑप्शंस के बारे में समझना है सबसे पहले यहाँ पे, यानी कि स्निपिंग टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और प्लस स्टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और प्लस स्टिकी नोट्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये तीन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे स्निपिंग टूल के बारे में अगर हम बात करें तो स्निपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है जैसे किसी फोटो में से कुछ हिस्सा क्रॉप करके अलग करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब पिक्चर हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा हमको काट करके अलग करना होता है, तो इसके लिए हम स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जिस तरीके से मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर होता है ना, जो हमारी आवाज को रिकॉर्ड नहीं करता है, केवल हमारे मतलब कम मोबाइल में जो भी वर्किंग होता है उस पूरे को रिकॉर्ड कर लेता है, सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में स्टेप रिकॉर्डर भी पाया जाता है। वो स्टेप रिकॉर्डर करता क्या है कि हमारी आवाज को छोड़ करके शेष हमारे कंप्यूटर में हो रहे सभी कार्यों को ये रिकॉर्ड कर लेता है। अब इसके बाद से आता है स्टिकी नोट्स, और स्टिकी नोट्स का प्रयोग अपने कंप्यूटर में एक छोटा छोटा नोट्स बनाने के लिए हम करते हैं। जैसे मान के चले कि आप कोई लेसन पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ पाया, तो आप उसको कॉपी पे लिखने के बजाय आप चाहेंगे तो स्टिकी नोट्स में आप उसको लिख करके रख सकते हैं, और बाद में जब आप उसको अपने पढ़ लिया उसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं तो उस सर्च भी कर सकते हैं। स्टिकी नोट्स जल्दी डिलीट नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले स्निपिंग टूल के बारे में समझना है। तो स्निपिंग टूल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया फ्लावर्स, क्या सर्च कर लिया फ्लावर्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फ्लावर्स का फोटो आ जाएगा यहाँ से। अब जैसे मान के चलिए हमको मल्टीपल फ्लावर्स एक साथ हमको क्रॉप करके बाहर करना है, ठीक है, मल्टीपल फ्लावर्स हमको एक साथ क्रॉप करना है, जैसे यहां से लेकर के और यहां तक हम चाहते हैं कि इसको काट करके हम अलग कर दें, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्निपिंग टूल का प्रयोग करेंगे ना। तो देखिए स्निपिंग टूल आपको करना कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च पे आना है और यहाँ पे सर्च करिएगा स्निपिंग टूल, क्या लिखना है स्निपिंग टूल, यहाँ पे केवल यस डबल एन लिखेंगे तो यहाँ पे स्निपिंग टूल आ जाएगा, और इसी पे क्लिक करिएगा। अब जब क्लिक करेंगे तो कुछ अभी इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखा रहा है, ऐसे इंटरफेस आपको दिखा रहा है ना, देखिए लिखा भी है स्निपिंग टूल। अब ऐसा इंटरफेस जब आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक करना है न्यू पे, और जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा सा अभी कलर चेंज हो गया, चेंज हुआ कलर, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, सबको दिख रहा है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, बस छोड़ दीजिए ये कट करके अलग। अब वो फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए, और इसको आप किसी नाम से सेव कर लीजिए, कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया, या चलिए यहाँ पे पिक्चर में ही मैंने सेव कर लिया, और किस नाम से, तो स्निपिंग टूल के नाम से। अब देखिए इसको मैंने सेव कर दिया, कहाँ पे मैंने सेव किया पिक्चर में। अब विंडो प्लस ई दबाइए और आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन में, और यहीं पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे स्निपिंग टूल के माध्यम से मैंने काट करके रखा हुआ है। अच्छा हो जाएगा, तो ये हमारा स्निपिंग टूल का वर्क होता है। अब जैसे मान के चलिए और भी इसमें ऑप्शंस के बारे में बता दें यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मान के चलिए कि इतना तो मैंने काट करके रख दिया, अब हम चाहते हैं कि इसमें और भी कुछ ऑप्शन ऐसा मिले, जैसे ज्यादा मात्रा में अगर हमको फिगर लेना हो, तो जैसे ये दोबारा इस हिस्से को हम काट करके अलग करना चाहते हैं इस हिस्से को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च पे आ जाएंगे, और सर्च पे आने के बाद यहाँ पे क्या टाइप करेंगे स्निपिंग टूल, और यहाँ पे स्निपिंग टूल आप ले लीजिए, और यहाँ पे एक प्लस का सिंबल अभी बनेगा, यहाँ पे पहले न्यू पे क्लिक करिए, अब देखिए प्लस का सिंबल बना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रॉप कर लीजिए, जैसे ही छोड़ेंगे तो ये ऑप्शन पूरा कट जाएगा। अब यहाँ से आ जाइए सबसे पहले फाइल पे, सेव एज पे आ जाइए, सेव एज पे आ जाइए, और इसको आप किसी नाम से सेव कर दीजिए, जैसे मैंने पिक्चर में ही सेव कर दिया, कुछ नाम से मैंने ऐसे सेव कर दिया, हो जाएगा। तो ये स्निपिंग टूल का वर्क होता है जो कि हम आसानी तरीके से किसी इमेज को काट करके अलग कर सकते हैं, और अधिकतर ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। जैसे मान के चले कि कोई फोटो है, उस फोटो को जैसे मान के चले कि कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको अपलोड करना है, तो फोटो में से कुछ हिस्सा आपको क्रॉप करके अलग करना होता है, तो इसके लिए आप एमएस पेंट का भी हेल्प ले सकते हैं, और चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी आप क्रॉप कर सकते हैं।
अब चलिए अब इसमें देखते हैं कि और भी कुछ ऑप्शन, जैसे यहाँ पर भी आपका स्निपिंग टूल काम करेगा, यहाँ पर भी आपका स्निपिंग टूल काम करेगा, या मान के चलिए कि मैंने यही वाला वॉलपेपर मैंने ओपन कर दिया, ये वाला फोटो मैंने ओपन कर दिया, देखिए लिखा है ना, ये कोर्स का नाम लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम पे चलेगा यहाँ पे सबसे पहले, और गूगल क्रोम पे आने के बाद जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया GIT पटरौना, मैंने सर्च कर लिया GIT पटरौना। अब देखिए यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट आ जाएगा यहाँ से, और अपने इंस्टीट्यूट का जब वेबसाइट आ गया तो इसमें से मान के चलिए आपको क्रॉप करके अलग करना है क्या, अपनी संस्था का नाम काट करके क्या करना है, अलग करना है। तो क्या करेंगे, विंडोज बटन दबाएंगे या नहीं भी विंडोज दबाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्च पे आ जाइए और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, बस स्निपिंग टूल यहाँ पे टाइप कर दीजिए, और जैसे ही स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस अभी आपके सामने आएगा, और यहाँ से जब ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए, देखिए प्लस का सिंबल बन रहा है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रॉप कर लीजिए, और छोड़ेंगे तो ये सेव करने के लिए कहेगा, आप इस डेटा को कहीं सेव कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब हम बताते हैं स्टेप रिकॉर्डर को। तो जैसे स्टेप रिकॉर्डर का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी आवाज को छोड़ करके हमारे कंप्यूटर पे जो भी काम होगा उस पूरे कार्यों को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, स्टेप रिकॉर्डर। आप यूं समझिए जैसे मान के चलिए कि आपका पर्सनल सिस्टम है और आप उस सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और 5 या 10 मिनट के लिए कहीं सिस्टम को आप छोड़ करके जाना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि सिंपल सी बात है, कोई और आएगा तो आपके सिस्टम पे काम करेगा, और आप ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम पे अगर कोई आए और जो जो मतलब वहां पे सेटिंग किया है चाहे जहां जहां गया है उसके बारे में हमको आइडिया मिल जाए, तो आप स्टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दीजिए और तब जाकर के आप सिस्टम छोड़ करके चले जाए, बाकी वो बंदा आएगा कोई भी आपके सिस्टम पे वर्क करेगा वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, और आप जब आइए तो उसको सेव कर लीजिए और सेव करके आप पूरा देख सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आपको आना है, और यहाँ पे क्या सर्च करना है, स्टेप रिकॉर्डर, यहाँ पे टाइप करिए स्टेप रिकॉर्डर, और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टेप रिकॉर्डर कुछ ऐसे इंटरफेस में आता है, ऐसे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो अभी देखिएगा रेड कलर का सिंबल कुछ दिखेगा, मैंने टाइपिंग मास्टर ओपन किया यहाँ से, देखिए कुछ रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, अब इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर मैंने लिख लिया प्रणव, और फिर मैंने यहाँ से एंटर किया, देखिए रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, ये रेड कलर का सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा डेटा आपका, देखिए एंटर करिए यहाँ से, इंटर करने के बाद पुनः स्पीच को हमको हटाना, इसके बटन मैंने दबा दिया गायब हो गया यहाँ से, इसके बटन दबा दिया, या इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल ही कर दी, और फिर हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम पे, या यहाँ पे स्लाइड इमेज कुछ रखा हुआ है इसको भी मैंने यहाँ से ओपन करके देखी है कि कौन कौन सा स्लाइड इमेज है, इसको भी मैंने देखी, और सपोज करिए कि मैंने इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके और इसको मैंने वॉलपेपर में क्या कर लिया, ऐड कर लिया, अब ये वॉलपेपर लग गया ना। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने विंडो प्लस आर दबाया और यहाँ से मैंने ओपन कर लिया क्रोम और मैंने एंटर किया, अब स्टेप बाय स्टेप सब समझिएगा, और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया sarkarirezult.com, मतलब जहां जहां आप जा रहे हैं ये पूरे वर्किंग को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, देखिए जैसे ये वाला फॉर्म मैंने ओपन किया, जैसे ये वाला फॉर्म पे मैं नीचे आ गया यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से क्लिक हियर पे, अब देखिए ये सब रिकॉर्ड कर रहा है पूरा स्टेप बाय स्टेप, जो भी हम काम करेंगे उस पूरे कार्यों को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। फिर आप यहाँ से बैक आ जाइए, फिर बैक आने के बाद जैसे मान के चलिए कि आपको दूसरा पेज आपको ओपन करना है, फिर आप पेज को आपने नीचे लेके आया, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट में लिखा गया, जैसे देखिए यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ से हम पेज को नीचे लेके आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पे मैंने क्लिक कर लिया, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज हमारे पास खुल जाएगा, ओपन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए करना क्या है, अब सपोज करिए कि इतना प्रैक्टिकल मैंने किया और अब हम रिकॉर्डिंग को ऑफ करना चाहते हैं,
क्या करना चाहते हैं? ऑफ करना चाहते हैं। तो बस आप रिकॉर्ड पे क्लिक करिए यहाँ से, और यहाँ भी एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टॉप रिकॉर्ड, दिख रहा है ना, बस इसी पे जस्ट क्लिक कर लीजिए। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने किस किस स्टेप पे कहाँ कहाँ गया है, अब देखिए ये पूरा आपको दिखाने लगे। देखिए इसको बड़ा करिए, अब रिसेंटली में आपने कहाँ कहाँ गया है, देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। पेज को थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आइए, देखिए बता रहा है आपने वॉलपेपर को चेंज किया है। फिर इसके बाद से देखिए जहां जहां आपने गया है पूरा रिकॉर्ड किया है। देखिए आपने वॉलपेपर चेंज किया है, फिर यहाँ से जो भी आपने ओपन किया, फिर यहाँ से गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है, फिर यहाँ से देखिए सरकारी रिजल्ट इस पे गए हैं, और फिर यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से कोई फॉर्म मैंने ओपन किया था, फिर इसके बाद से क्या किया था मैंने, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे गए थे ना, देखिए स्कॉलरशिप की वेबसाइट दिखा रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप पूरा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करिए, और आप इसको चाहेंगे तो किसी नाम से सेव भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए एक और ऑप्शन है, उसको मैंने क्या नाम दिया है, स्टिकी नोट्स। मैंने लिखवाया ना स्टिकी नोट्स, अभी लिखवाया मैंने, अभी खोला है। अब देखिए सबसे पहले सर्च पे आ जाइए, और यहाँ पे क्या सर्च करना है, स्टिकी नोट्स, STICKY, स्टिकी नोट्स आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए देखिए नोट्स आपको दिख रहा है, अब कह रहा है कि टेक ए नोट, आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं। तो जैसे मान के चले कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया इनपुट डिवाइस के बारे में लिखना चाहते हैं, क्योंकि मान के चले कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने यहाँ पे टाइप कर लिया क्या, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में कौन से टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया कीबोर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैंने एंटर किया, और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया OMR हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर एंटर किया मैंने, और फिर यहाँ पे लिख दिया माउस हमको नहीं समझ में आ रहा है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉयस्टिक हमको नहीं समझ में आ रहा, दिखा गया ना। अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो और भी नोट्स की संख्या बढ़ाना है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो और भी नोट्स की संख्या बढ़ जाएगी, आ गया ना। नहीं जरूरत है तो आप इसको यहाँ से कैंसिल करिए। अब चलिए यहाँ पे थ्री डॉट जो दिया हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसकी कलर को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो रहा है, आप इसकी कलर को बदल भी सकते हैं। और प्लस एक ऑप्शन इसमें और दिया है, जैसे थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोट्स का लिस्ट आप देख सकेंगे, तो यहाँ से नोट्स का लिस्ट आपने क्या क्या बनाया पहले से वो आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जैसे अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैली करना चाहते हैं तो इटैली भी कर सकते हैं, इसमें अंडरलाइन का भी इफेक्ट दे सकते हैं, अगर हटाना है तो इसको हटा दीजिए, स्ट्राइक थ्रू का भी प्रयोग कर सकते हैं जो टेक्स्ट को बीच से डिवाइड करता है, आप इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, और प्लस इसमें बुलेट्स भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से मैंने इस सेटिंग को सिलेक्शन किया और यहाँ से मैंने बुलेट सेट कर दिया, कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा। आप चाहेंगे इसमें कोई पिक्चर लगाना तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करिए, और यहाँ से आप इसमें कोई पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया, जैसे ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया, इसमें पिक्चर भी आप लगा लीजिए, हो जाएगा ना। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आप ऐसा मत समझिए कि ये गायब हो गया, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अब मान के चलिए कि आप कंप्यूटर पे काम किए और आपने कैलकुलेटर पे आया, सिस्टम ओपन किया, और आप चाहते हैं कि जो टॉपिक मैंने नोट करके रखा था वो टॉपिक हमको दिख जाए, तो पहले आप सर्च पे आइएगा और यहाँ पे क्या सर्च करिएगा, क्या सर्च करना है, स्टिकी नोट्स। देखिए वही नोट्स आपके सामने आएगा जो आपने बना करके सेव किया था, हो जाएगा। तो ये स्टिकी नोट्स होता है, पुनः इसको हटाना है तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए एक साथ मल्टीपल फोल्डर कैसे बनाएंगे, मैंने बताया है एक साथ मल्टीपल फोल्डर बनाना, जैसे मान के चलिए कि आपसे कहा जाए कि क्लास में जितने लोग पढ़े हैं उतने लोगों के नाम से हमको एक एक फोल्डर बनाना है, तो अगर कंट्रोल सी टी एम दबाएंगे तो एक फोल्डर बनेगा,
अगर जो है यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर हम यन बटन दबाते हैं तो एक फोल्डर बन रहा है ना। तो मान के चलिए कि मैंने किसी स्टूडेंट का नाम मैंने टाइप कर दिया राजन। अब ऐसे ही मान के चलिए कि क्लास में 10 बच्चे 15 बच्चे हैं तो एक ही करके फोल्डर बनाएंगे तो टाइम लगेगा ना। तो मल्टीपल फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप सर्च पे आइएगा। कहाँ पे आना है? सर्च पे। और यहाँ सर्च करिएगा नोट पैड। क्या सर्च करना है? नोट पैड। और यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर लीजिए। जब एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखने के लिए देगा। तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले एमडी। क्या लिखना है? एमडी। अब सोच रहे होंगे एमडी किसी का नाम है, तो एमडी किसी का नाम नहीं है। एमडी का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी। क्या नाम होता है? मेन डायरेक्टरी। और यहाँ से स्पेस दीजिए। अब यहाँ से मैंने टाइप कर दिया राकेश। एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोल्डर मात्र एक ही बार बनेगा। और फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया किरण, सुमन, निगम, ठीक है, सागर, रोहित, ऐसे बहुत सारा नाम आप टाइप कर लीजिएगा। राजन, राजन के नाम से मैंने फोल्डर बनाया है ना, केवल राज। जाकिर, अभी मैंने जस्ट बना के दिखाया है कंट्रोल से पीएन से। सिंगल हाँ देखिए, एक साथ इतना सारा फोल्डर बनेगा, बस ये ध्यान दीजिएगा एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, इतना जरूर क्लियर करिएगा। चलिए मान के चलिए मैंने इतना नाम लिखा, आप लोग लैब में जाके ट्राई करिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कंट्रोल एस से क्या करेंगे? सेव करेंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। और सेव करते समय लोकेशन कहाँ लेना है? तो मान के चलिए मैंने म्यूजिक लोकेशन ले लिया। जैसे चाहेंगे तो डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पे बहुत सारा पहले से उसमें फोल्डर बना हुआ, इसलिए मैंने म्यूजिक को लोकेशन दिया, ठीक है। और जब सेव करिएगा तो ये जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप बैक स्पेस से हटा दीजिए और यहाँ पे लगाना है डॉट, जिसको बोला जाता है फुल स्टॉप। और यहाँ पे लिखिएगा BAT, बैट। क्या लिखना है? डॉट BAT। और यहाँ से सेव कर दीजिए। पहला चेंजिंग क्या करना है कि विंडो प्लस आर दबाइए या सर्च पे आकर के नोटपैड ओपन करिए और उसमें सबसे पहले किसी भी नाम को आप लिख लीजिए। पहले पूरा नाम भी लिख लीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नाम लिखने के बाद तब लास्ट में आकर के एमडी लिख दीजिए स्पेस दे करके। और स्पेस दे करके ही लिखिएगा, क्योंकि नाम अगर हम लिखते हैं तो स्पेस देते हैं ना, तो जितने बार आपने स्पेस दिया है उतने नाम से फोल्डर आपका बनेगा। और कहाँ पे बनेगा? म्यूजिक पे। कहाँ पे? मैंने अभी लोकेशन म्यूजिक दिया है ना, अगर आप डेस्कटॉप का लोकेशन देते तो डेस्कटॉप पे बनता। अब चलिए इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब म्यूजिक में जाना है ना, तो चलिए इसके लिए दिस पीसी पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइएगा म्यूजिक। क्या अभी फोल्डर बना है? नहीं बना। कहाँ फोल्डर बना है? सर डॉट बैट के नाम से बना है, लेकिन जो मैंने नाम लिखा था फोल्डर बना है? नहीं बना है। तो जब डॉट बीएटी आपको दिख जाएगा इसी पे माउस का लेफ्ट बटन दो बार दबा दीजिए। बन गया, बन जाएगा। अब ऐसे बहुत सारा नाम लिखिएगा, मैंने कम ही नाम लिखा था, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया? अब जैसे देखिए इसमें राज लिखा हुआ है ना, राज के नाम से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यन बटन मैंने दबाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया राज। एक्सेप्ट करेगा ये कहेगा कि ऑलरेडी आपने एक नाम से फोल्डर बना चुका। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, उसी नाम से एक और बनाना है तो देखिए बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। पहले तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, रीनेम पे आ जाइए। जब रीनेम पे आएंगे ये न्यू फोल्डर नाम हाईलाइट हो जाएगा और पुनः इसी पे राइट क्लिक करके इस नाम को यहाँ से डिलीट कर दो। अब यानी कि फोल्डर ही डिलीट कर दीजिए राइट क्लिक करके, केवल नाम को डिलीट करिए। और नाम को डिलीट करने के बाद ये पूरा ऑप्शन खाली हो जाएगा, पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और नीचे से तीसरा ऑप्शन इंसर्ट एनी कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्शन कर लीजिए। आप यहाँ पे लिखिए राज। समझ में आया कि नहीं आया? सुमन, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए नहीं समझ में आया ना, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सीएन बटन मैंने दबाया, न्यू फोल्डर लेके आ गया।
न्यू फोल्डर लेके आ गया ना, आप चाहेंगे तो यही से बैक स्पेस दबा करके इस नाम को हटा दीजिए, खाली होना चाहिए ये आप सब, और जब खाली हो जाएगा तो पुनः इसी पे माउस माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा, ये जब एरो टाइप का बनेगा राइट दबाइएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, कोई दिक्कत? अब ऐसा फोल्डर हम बनाना चाहते हैं जिसमें कोई नाम ही नाम ही ना, तो इसके लिए देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन दबा दीजिए और इस लिखे हुए नाम को राइट क्लिक करके यहां से डिलीट कर दीजिए। क्या अगर आप साइड में क्लिक करेंगे तो बिना नाम का फोल्डर बनेगा? देखिए न्यू फोल्डर आ ही गया, लेकिन हम चाहते हैं इसमें कोई नाम ना दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट क्लिक करके पहले आप इसको रिनेम कर लीजिए और इसको बैक स्पेस से आप डिलीट कर दीजिए और पुनः इसी पर राइट क्लिक करिए और इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब नाम लिखना होता था ना, नाम मत लिखिए कहीं साइड में क्लिक करिए, कोई दिक्कत? तो इतना लाइव करिए आप तब तक हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं उस तरीके से वहां पे कर नहीं हो पाएगा, वॉलपेपर पे कहाँ दिखाएगा, ये तो मैंने म्यूजिक में बनाया है ना। तो यही मैंने म्यूजिक का लोकेशन लिया ना सेव करते समय, आप उसमें डेस्कटॉप का लोकेशन ले लीजिए, हो जाएगा। अरे जैसा मैंने म्यूजिक में लोकेशन दे दिया है, आप वहां डेस्कटॉप का लोकेशन दे दीजिए, डेस्कटॉप पे दिखाएगा, पर उस पर क्लिक करना पड़ेगा डॉट बीएटी पे दो बार तब जाके आएगा। एक बार ट्राई करिए आप लोग लाइव में, ठीक है? ट्राई करिए, इसको हम कल लिखवा देंगे पूरा।